भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के धनी व्यक्तियों में शामिल मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी पीरामल खानदान की बहू बनने जा रही है। कॉरपोरेट जगत के दिग्गज अजय पीरामल और स्वाति पीरामल के बेटे आनंद पीरामल के साथ ईशा अंबानी की शादी आजकल खबरों में है। आइए जानते हैं कौन है आनंद पीरामल। आनंद पीरामल भी बहुत धनी और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आनंद पीरामल अपने पिता अजय पीरामल की कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर हैं। 25 साल के आनंद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किया है। सोर्सेज की माने तो पीरामल इंटरप्राइजेस आनंद ग्रुप के रियल स्टेट बिजनेस को देखते हैं। पीरामल ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आनंद ने दो स्टार्टअप शुरू किए थे। पहला पीरामल eSwasthya जो कि रूरल हेल्थ केयर स्टार्टअप है और दूसरा पीरामल रियलिटी। आनंद पीरामल के पिता अजय पीरामल पीरामल ग्रुप और श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन हैं। अजय पीरामल को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और देश के PM नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करते हुए भी देखा जा चुका है। अजय पीरामल की कंपनी पीरामल ग्रुप फार्मा और फाइनेंस सर्विस के क्षेत्र में काम करती है। आनंद के अलावा अजय पीरामल की एक बेटी नंदिनी भी है जो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में से एक है, यानी कि आनंद पीरामल की बहन। आपको बता दें कि आनंद पीरामल के पिता अजय पीरामल फोर्ब्स के मुताबिक $4.5 बिलियन के मालिक हैं और वो भारत में 22वें और दुनिया में 404वें सबसे अमीर आदमी हैं। आनंद पीरामल या आनंद अजय पीरामल पीरामल समूह के कार्यकारी निदेशक हैं, जिन पर परिवार के अचल संपत्ति और व्यवसाय की जिम्मेदारी है। वो $5.6 अरब की कुल आय वाले एक अमीर व्यक्ति हैं और उनका महाबलेश्वर शहर में एक विला भी है। 25 अक्टूबर 1985 को आनंद पीरामल का जन्म हुआ। आनंद पुराने बिजनेस टाइकून महाराष्ट्र मुंबई से संबंध रखते हैं। उनका पालन पोषण राजस्थान के झुंझुनू जिले के बागड़ शहर में हुआ था। आनंद ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने फिलाडेल्फिया जो कि US में है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की और बोस्टन में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की है। साल 2012 में उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए पीरामल eSwasthya की स्थापना की। उसके कुछ वक्त बाद वो पीरामल समूह के कार्यकारी निदेशक बन गए जो उनके परिवार का अचल संपत्ति व्यवसाय है। पीरामल समूह के विकास के लिए उन्होंने निवेश बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सस और एक निजी इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंक्स में निवेश किया। साल 2018 में उन्हें यंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर और हरून रियल स्टेट यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आनंद पीरामल एक मारवाड़ी अरबपति व्यापारिक परिवार से हैं, जहां उनके पिता अजय पीरामल पीरामल समूह और श्रीराम समूह के अध्यक्ष हैं, तो ही उनकी माँ स्वाति पीरामल एक व्यवसायी होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। उनके चाचा की बात करें तो दिलीप पीरामल VIP इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। उनकी एक बड़ी बहन है नंदिनी पीरामल। मई 2018 में उनकी मुलाकात मुकेश अंबानी की बेटी ईशा मुकेश अंबानी से हुई और उन्होंने महाराष्ट्र स्थित महाबलेश्वर मंदिर में शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे ईशा अंबानी ने स्वीकार भी कर लिया, जहां उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे और अब वो शादी करने जा रही हैं। साल 2004 में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान उन्होंने राजस्थान में गरीबों की मदद के लिए दिया नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की। आनंद को दुनिया भर के विभिन्न स्थानों की यात्राएं करना बहुत पसंद है। उन्हें फुटबॉल देखना और क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। वो बॉलीवुड में ऋतिक रोशन वरुण धवन प्रियंका चोपड़ा दीपिका पादुकोण के बड़े फैन हैं। आनंद कोल्ड प्ले एरियाना ग्रैंडे और पिटबुल के म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। वो भारतीय व्यापारी चैम्बर के युवा विंग के अध्यक्ष भी हैं। आनंद का पसंदीदा भोजन पनीर मक्खनी है और इसके साथ साथ उन्हें कैमोमाइल चाय नींबू पानी भी पसंद है। आनंद पीरामल काफी वक्त से एक दूसरे को जानते थे। आनंद पीरामल और ईशा अंबानी की एज में 7 साल का अंतर है, जहां ईशा का जन्म सन 1991 में हुआ, वहीं आनंद का जन्म 1984 में हुआ। तो ये है आनंद पीरामल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।